नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जसोदा की रसोई ब्लॉग में। बने रहे वीडियो में। आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। गैस को करते चालू। गैस चालू कर दिया, कढ़ाइया रख दी। अब इसमें डालेंगे तेल। करेला ले लिए दो, जो 250 ग्राम करेला है दोनों, तो इनको दो टुकड़ा करेंगे। तो इसको अच्छे से धो लिया, धोकर पानी सुखा लिया इसका, और साफ है बिल्कुल। और करेला भी अच्छे नरम है, और कैसे ही नहीं है पके भी और न होल वाले, ख़राब कीड़े वाले करेले नहीं है, बिल्कुल अच्छे वाले हैं। तो अब जो काट लिए अच्छे से, तो अब इनको तेल में, तो तेल गरम होगा, अब इसमें डालते करेला तेल में डाल दिए, तो अच्छे से सेक लेते हैं इनको, इनका कलर चेंज होने तक। ऐसे पलेट पलेट का सेक लेते, तो सेक रहे हैं अच्छे से। और इस तरीके से सेक के एक बार करेला जरूर बनाएं, जरूर से जरूर ट्राई करें एक बार, कि बिल्कुल कड़वे नहीं रहेंगे। अगर ऐसे बनाएंगे तो उंगली चाटते रह जाएंगे। एक बार जरूर ट्राई करें ऐसे तल के अच्छे से। इधर करेला इन काट लेते हैं। दाढ़ दस हरी मिर्ची ली है, इस तरीके से कैंची से ऐसे ऐसे काट लेते हैं। और करेला हरी मिर्ची में ही अच्छे लगते हैं, हरी मिर्ची से बनाओ अच्छे लगेंगे। और पलटी कर देते हैं ऐसे, ये ऐसे पकने लगे, अभी और पलटी कर देंगे। तो दोस्तों करेला हो गए अच्छे से पक गए, बिल्कुल कलर चेंज हो गया। तो अब गैस को करेंगे बंद, और अब एक एक करके ऐसे तेल निचरा के ऐसे निकाल लेते हैं थाली में अलग, ऐसे हटा के इस तरीके से ऐसे निकाल लेंगे। अब इन्हें निकाल लिया, अब ठंडे होने देते हैं, अभी 5 मिनट तक ठंडे हो जाए, ताकि यहाँ लगा सके अभी गर्म है, तो ठंडे होने देते हैं जब तक। जी मिर्ची तैयारी कर लेते हैं, अभी इनको काट लेते हैं। और गैस चालू करके फिर से तेल गर्म कर रहा है। तो आप जो प्याज काटी 3 मीडियम साइज की, तो ऐसे गोल गोल काट ली इनको, तो इन्हें तलेंगे। अच्छे से प्याज तल लेते हैं अच्छे गहरे तेल में इनमें गोल्डन होने तक। अच्छे लगेंगे, कड़वे नहीं लगेंगे, जो नहीं खाता हो वो भी खाने लगेंगे। अब निकाल लेते हैं दोस्तों, ऐसे तला गई प्याज हमारी, ये अच्छे से ऐसे लेते तो प्लेट में। और तेल गैस बंद कर देते। अब जो करेला ठंडे होगा निकाले थे, तो जो ठंडे होगा तला गए, अब इनको काट लेते हैं ऐसे।
जी इस तरीके से इतनी पतली फिश जैसे अपन को काट सकते हैं, अगर ऐसे लंबे में काटे तो ऐसे भी काट सकते हैं, मगर मुझे ऐसे पसंद है, मैं ऐसे काट रही हूँ। ये बिल्कुल कड़वी नहीं लगेंगे, अच्छे लगेंगे, और ऐसे भी खा सकते हैं बिना फ्राई के, क्योंकि फ्राई हो गए तेल में। एक और रहा, अभी इसको काटेंगे। रख लिए इन्हें, तो ये डाल देते करेला ऐसे, तो अब इनको अच्छे से और तेल में फ्राई करेंगे मिर्ची के साथ, ऐसे चलाते हुए अच्छे से मिर्ची के साथ और फ्राई करते हैं इन्हें। अभी अब इसमें डालेंगे और नमक, अब नमक डाल देते स्वाद अनुसार, जितने आप पड़ सके उसमें नमक उतने डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे जी। ऐसे चलाएंगे, चम्मच चलाते हुए चला दिए। अब इसमें डालेंगे आधा नींबू, आधी चम्मच रस निकल आए इतना, तो नींबू निचोड़ देते हैं तरीके से। अगर नींबू ना हो तो अमचूर हो तो अमचूर पाउडर डाल देते हैं उसमें भी। अब जो प्याज डाली थी तल कर रखी थी ये डाल देते, मिर्ची हल्दी लाल मिर्ची ये थोड़े जो मसाले डाल देते और अच्छे से चला देते। मसाले मैंने डाल दिए तो और चलाएंगे। आप जितनी मिर्ची तीखा खा सके उतने डाल दें, वैसे तो हरी मिर्ची में ही अच्छे बनते, अली बन गए और अच्छे बन गए, बिल्कुल करे नहीं लगेंगे। रोटी सिक गई दोस्तों, ये बना ली हमने रोटी, एक लास्ट रही तो सेक लेते इसको। ये बन गई, थाली लगाते दोस्तों, रोटी बन गई। सब्जी निकाल लेते जो करेला की सूखी, इतनी अच्छी बनी है और कड़वी बिल्कुल नहीं लगेगी। ये रखते ढक के, बन गया दोस्तों खाना। अब ज़रूर बनाएंगे इस तरीके से करेला, तो अच्छे लगते हैं और बहुत बढ़िया लगते हैं, बिल्कुल कड़वे नहीं लगते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।